कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस का एहसास करें। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस को महसूस करें, उस सांस को देखें। जो सांस सामान्य चल रहा है, उस सांस के साथ आपका सही, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। एक गहरी शांति में धीरे धीरे उतरते जाएं और शरीर में जो ऊर्जा की संवेदनाएं हैं उनका एहसास, शरीर की तरंगों का एहसास, ऊर्जा का एहसास, जो ऊर्जा, जो तरंगे जागृत हो रही हैं उनका एहसास, शरीर के प्रति प्रत्येक संवेदना का एहसास, वो अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं। नाभि चक्र और रम का स्ट्रोक और स्ट्रोक के साथ ऊर्जा ऊपर की ओर हृदय चक्र की ओर उठती हुई जाए। रम 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 और देखें कि ऊर्जा नाभि से हृदय चक्र तक पहुंची। नाभि से उठती हुई ऊर्जा हृदय चक्र तक आई और हृदय चक्र पर यम का उच्चारण और जब उठती हुई कंठ चक्र तक पहुंचे। यम 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 कंचक तक ऊर्जा का एहसास और कंचक पर हम का उच्चारण और जाग्याचक तक पहुंचे। हम 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 आज्ञा चक्र में ऊर्जा का एहसास
पूरी स्थिरता के साथ आज्ञा चक्र में देखें, जो भी अनुभूति, जो भी एहसास हो रहे हैं, और ओम का उच्चारण हो। इस प्रकार लगातार ओम का उच्चारण करते रहें और आज्ञा चक्र में देखें, अपनी पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र को देखने में लगा दें। ओम के उच्चारण के साथ ओम का जागरण, ओम की ऊर्जा आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है, उसका एहसास लगातार करते रहें। आज्ञा चक्र में ऊर्जा बढ़ती जाए, उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। आज्ञा चक्र जब तक जागृत नहीं होता, तब तक हमारी भावनाएं, हमारे विचार बिखरते रहते हैं, और जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो विचारों को एकाग्रता, स्थिरता मिलनी शुरू हो जाती है। हमारी भावनाएं सहज होने लगती हैं, सहज भावनाएं और एकाग्रचित मन अंदर की यात्राएं पैदा कर देता है। जब तक आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता, तब तक हम स्वयं को भी नहीं जान पाते। स्वयं को समझने में असमर्थ रहते हैं। ओम का उच्चारण करते रहें और लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें, वहाँ जो भी परिवर्तन आए, जो भी बदलाव आए, उनका एहसास करते रहें। जब तक आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता, तब तक स्वयं को नहीं जाना जाता, स्वयं को नहीं पहचाना जाता। निम्न स्तर की भावनाओं को आज्ञा चक्र पर ही पहुंचकर नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना वास्तव में हम सही नहीं हैं, सही मन, विचार, भावनाएं, ये सब हमारे हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं हैं।
हमारी चेतना, हमारी आत्मा या एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है, वही मैं हूँ। मैं शिव हूँ, मैं मुक्त दिव्य और सर्वोच्च चेतना जो सदा सच्चिदानंद में रहती है और अमर है। वह ब्रह्मांड का सह है। ये सभी जीवित प्राणियों का आत्मा है। वही आत्मा अजह अमर है। इस आत्मा को न नष्ट किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबाया जा सकता है। ये कभी खत्म नहीं होती। लगातार सही ही बदलते रहते हैं, लेकिन ये चेतना वही की वही रहती है। और ये सब अनुभव आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ही मिल पाते हैं। ये चेतना, ये आत्मा ये एनर्जी संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक वस्तु में है, जो कभी नहीं मरती। रूप बदलते रहते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होती। इस एनर्जी का एहसास आज्ञा चक्र में होगा। जो आज्ञा चक्र जागृत होता है, शिव के बारे में एक कहानी है कि जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो जिस ओर देखते हैं वह सब नष्ट हो जाती है। संसार नष्ट हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है। सृष्टि का विनाश करने के लिए तीसरा नेत्र खोलते हैं। उसका रहस्य भी आप यहीं पहुंच कर जान पाते हैं। ये सृष्टि, ये संसार, इस संसार की माया, अज्ञानता तभी तक आपके अंदर है जब तक आपकी आज्ञा चक्र जागृत नहीं हुआ। और जब आज्ञा चक्र जागृत हुआ, आज्ञा चक्र खुला, तब संसार का मोह खत्म हो गया, सृष्टि खत्म हो गई, सभी अज्ञानता, सभी नकारात्मकता भस्म हो गई।
जन्मों के जो कर्म थे वो भी इसके जागृत होने से खत्म हो जाते हैं। हम उन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं जिससे ये शरीर बंधा है, हमारे भाव बंधे हैं, हमारे विचार बंधे हैं, वह प्रत्येक चीज, वह प्रत्येक बाधा खत्म हो जाती है जो आपको अध्यात्म में ले जाती है या सूक्ष्म या ताव में ले जाती है। आज्ञा चक्र की जागृति तो आपकी चेतना का अनुभव कराती है, आपकी चेतना को शुद्ध करती है, आपके शरीर के विचारों को शुद्ध करती है, भावों को शुद्ध करती है और सभी नकारात्मकता को खत्म करती चली जाती है। आज्ञा चक्र पर पहुंचकर सत्यता को जान जाते हैं। सत्य क्या है उस सत्य की अनुभूति कर लेते हैं और उसके प्रकाश में सहज में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर हम पहली बार किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उसमें प्रवेश जब करेंगे तो लाइट जलाने के लिए हमें स्विच को ढूंढना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा दीवारों पर कि कहाँ स्विच है। लेकिन कुछ दिन जब आप लगातार उस कमरे में जाते हैं तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ता, बिना ढूंढे ही आप वहां स्विच पर दबा देते हैं क्योंकि आपको उसका ज्ञान हो गया। अंधकार में भी प्रकाश प्रकट हो गया, ज्ञान का प्रकाश। ठीक ऐसे ही जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। सब कुछ इतना सहज हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हम जान भी नहीं पाते या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि यह तो केवल अनुभवों में उतरता है। स्वयं का अनुभव, स्वयं की जागृति, स्वयं का आनंद
और स्वयं की शांति। लगातार ओम का उच्चारण करते रहना है, ओम का उच्चारण बंद नहीं करना। आज्ञा चक्र में ओम को अपने अंदर प्रवेश होता हुआ महसूस करें। लगातार अब ओम आपके आज्ञा चक्र में अंदर की ओर जाने लगे। ओम चक में नीचे के चक्कों में रूप बंधे हुए हैं। कहीं गणेश का वास है तो कहीं ब्रह्मा का, कहीं विष्णु का तो शिव का, लेकिन आज्ञा चक्र पर पहुंच कर रूप खत्म हो जाता है। आज्ञा चक्र पर पहुंच कर रूप खत्म हो जाता है या कोई रूप नहीं होता। सब कुछ ओंकार हो जाता है। ओंकार में ओम से सृष्टि बनती है और ओम में ही लीन होती है। ओम से ऊपर तो केवल शून्य है, जहां ओम भी खत्म हो जाता है, जहाँ ओम की भी सत्ता खत्म हो जाती है, वो है शून्य प्रदेश। सहस्त्र चक्र, वहां तो कुछ बचता ही नहीं। वहां के लिए ना कोई विचार होता है, ना कोई कल्पना होती है, ना कोई क्रिया होती है, और ना ही उसका कुछ बखान होता है। जब आप क्या चक्र जागृत होगा और आप गहरी शून्यता में पहुंचेंगे तो उस चक्र पर तो स्वयं पहुंच जाएंगे। ओम से शून्यता की ओर जब जाएंगे तो ओम भी उस शून्यता में लीन हो जाएगा। अनंत ऊर्जाओं की अनुभूति आज्ञा चक्र में आप कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ही वो बिंदु है, चेतना का वो पर्दा जो सूक्ष्म जगत की कड़ियों से आपको जोड़ता है और आपको उनका आभास कराता है, उनका दर्शन कराता है। स्वप्न अवस्था में भी जो चलचित्र चलते हैं या क्रियाएं चलती हैं, वो सब आज्ञा चक्र में चलती हैं, लेकिन वो अवस्था सुप्त अवस्था होती है। हमारी चेतना चेतन में वास करती है और हम जान नहीं पाते, और कई बार जान भी लेते हैं तो जब आँख खुलती है तो सब भूल जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्वप्न के समय भी जागृत रहते हैं, जिनकी चेतना उस समय भी जागृत हो। ओम को पूरी स्पीड के साथ बोलें और तेजी से अपने अंदर प्रवेश होने दें। तेजी के साथ ओम आज्ञा चक्र में प्रवेश करें।
तेजी से उच्चारण करें, ओम 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 और लगातार आज्ञा चक्र में महसूस करते जाएं, लगातार ओम का स्ट्रोक तेजी से आज्ञा चक्र में इसको प्रवेश होता हुआ देखें। पूरी शक्ति से ओम का उच्चारण तेजी के साथ, और जो ओम आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा था वो भी तेजी से अंदर जाने लगा, तेजी से अंदर आज्ञा चक्र में प्रवेश होता हुआ ओम की प्रकाश से बढ़ गई, ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ गया, पूरे शरीर में काज दौड़ता हुआ, एनर्जी दौड़ती हुई, अनंत ऊर्जा बढ़ती जा रही है। उच्चारण बंद कर दें और सिर्फ देखते रहें, आपका सही, आपके विचार, आपके भाव सब शांत हो जाएं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ जो भी हो रहा है उसको देखते जाएं। ये चिंता में डूबते जाएं, गहरी शून्यता
जो भी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो लंबे सांस भरें, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।